नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। मैं हूं शिवम यादव। आज कार्यक्रम में बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। यूएन ने यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वायुमंडल से कार्बन निकालना होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अगर 2030 तक का इंतजार किया तो कार्बन को कम करने की भारी कीमत चुकानी होगी। 18 और 19वीं शताब्दियों में उद्योग क्रांति के बाद से अब तक तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। हम और आप मौसम में इसके असर को महसूस भी कर रहे हैं। IPCC का कहना है कि प्राकृतिक ईंधन के इस्तेमाल से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों को 2050 तक कम करना पड़ेगा, ताकि वो 2010 के स्तरों से 40-70% कम हो जाएं। फिर कोशिश करनी होगी कि 2100 तक उत्सर्जन ना के बराबर हो, ताकि तापमान में वृद्धि लगभग शून्य हो जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं? सबसे पहले हम आपको ये बता दें, 2010 में रूस में लू की चपेट में आकर सैकड़ों लोग मारे गए। 2003 में यूरोप में गर्म हवाओं ने हजारों लोगों की जान ली। 2010 में ही पाकिस्तान में पारा 53.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 20वीं सदी की तुलना में धरती की सतह अब ज्यादा गर्म है। कोयला या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। 2015 में करीब 200 देशों में जलवायु परिवर्तन पर आम सहमति बनी थी। 1997 से धरती पर ज्यादा गर्मी पड़ने वाले दिन की तादाद बढ़ी है। आर्कटिक में बीते सालों में गर्मी के दिन लगातार बढ़ रहे हैं। 56 देशों में 2001 से 2010 के बीच गर्मी के नए रिकॉर्ड बने। तो ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से वायुमंडलीय दाब बढ़ने के साथ ही हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 2030 तक औसत सतही तापमान में 1.7 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, और आर्कटिक में पूरे उत्तरी गोलार्ध की तुलना में 3 गुना तेजी से तापमान बढ़ रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में पिछले 2000 सालों में तापमान सबसे ज्यादा हो गया है। इन दिनों मानवीय गतिविधियों की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आर्कटिक में पूरे उत्तरी गोलार्ध की तुलना में 3 गुना तेजी से, जो हमने आपको बताया, तापमान बढ़ा है, और 1900 के बाद आर्कटिक का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 के बाद इसमें तेजी आई, और पिछले 2000 सालों में आर्कटिक का तापमान जो था वो इस वक्त की तुलना में सबसे ज्यादा अभी है। विशेषज्ञों के अनुसार पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाना एक गंभीर संकेत है, और इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के मुताबिक विश्व के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। अगर हालात यही रहे तो आने वाले 90 सालों में तापमान में 1.8 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये समस्या मानव निर्मित है। जीवाश्म ईंधनों के फूंकने से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। वातावरण में औद्योगिक युग के पहले की तुलना में 30% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ग्रीन हाउस गैसें लौटने वाली अतिरिक्त ऊष्मा को सोख लेती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। 21वीं सदी के बीतते बीतते तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी के आसपास ये बढ़ोतरी 2 डिग्री और हिमालयी क्षेत्रों में पारा 4 डिग्री बढ़ेगा। गर्मी से सूखा, अतिवृष्टि, चक्रवात और समुद्री हलचलों की घटनाओं में इजाफा होगा। गर्मी की वजह से पिछले 6 दशकों में ध्रुवीय बर्फ भंडारों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। मेढक से लेकर फूलदार पौधों तक में मिल रहे धरती के गर्म होने के जो संकेत हैं वो भयावह हैं। पौधों और जंतुओं की 1700 प्रजातियों पर एक अध्ययन हुआ, और उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। ये प्रजातियां लगभग 6.1 किलोमीटर प्रति दशक की गति से ध्रुवों की ओर खिसक रही हैं। प्रत्येक दशक के बाद जो जंतु हैं उनके अंडे देने का प्रसव काल जो है 2-3 दिनों की कमी के साथ पीछे खिसक रहा है। हिमालय पर्वतमाला में ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और पेड़ घटते जा रहे हैं। गोमुख ग्लेशियर एक सदी में 19 किलोमीटर सिकुड़ गया है। सिकुड़ने की रफ्तार 98 फीट सालाना है। इस गति से 2035 तक
मध्य और पूर्व हिमालय के सारे ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे। ध्रुवों ग्लेशियरों के पिघलने से तटवर्ती मछुआरों की झोपड़ियां खतरे में पड़ गई हैं। डेंगू मलेरिया और दूसरी संक्रामक बीमारियां मलिन बस्तियों में तेजी से फैल रही हैं। बढ़ती गर्मी इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए बड़े प्रयास करने की जरूरत भी है। अब बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग साल दर साल लोगों के लिए समस्या खड़ी करता रहा। नासा के एक अध्ययन के अनुसार मौजूदा सदी के बीतते बीतते इस कमी से समुद्री जल स्तर की बढ़ोतरी होगी और इसका परिणाम ये होगा कि दुनिया भर की तटीय बस्तियां जलमग्न हो चुकी होंगी। दूसरी ओर खेतीहर मैदानी इलाकों में पानी की किल्लत कृषि उत्पादन पर बहुत गहरा असर डालेगी। धरती का तापमान बढ़ने से समूची जलवायु बदल जाएगी और बेतहाशा बिजली खर्च करते, वाहनों को दौड़ाते, दिन रात तमाम जरूरी गैर जरूरी खरीदारी करते, बेहिसाब कचरा पैदा करने और संसाधनों पर कब्जे करने के लिए विनाशकारी हथियारों का अंबार लगा देने वाले सभ्य आदमी को ये ख्याल भी नहीं आता कि महज कागजी नोटों से इनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। दुनिया के एक चौथाई संपन्न लोग उच्च ऊर्जा खपत आधारित अपनी जीवन शैली के लिए न केवल शेष इंसानी बस्तियों और सारे जीव जंतुओं का हिस्सा मार रहे हैं बल्कि खुद अपने हिस्से की दुनिया को भी संकट में डाल रहे हैं। अब एक नजर आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इतिहास क्या है। 1800 दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी। 1824 फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बारे में बताया। 1861 में आयरिश भौतिक विज्ञानी जॉन टिंडल ने जल बाष्प और ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया। 1886 कार्ल बेंज ने मोटर वैगन का अनावरण किया। 1896 स्वीडिश केमिस्ट स्वेंते अरहेनियस ने बताया कि कोयला जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। 1900 स्वीडन वैज्ञानिक नट एंगस्ट्रॉम ने बताया कि ट्रेस गैस ग्रीन हाउस वार्मिंग का उत्पादन करती है। 1927 में जीवाश्म ईंधन जलने और उद्योग से कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष 1 बिलियन टन पहुंचा। 1930 दुनिया की आबादी 2 मिलियन हो गई। 1938 में ब्रिटिश इंजीनियर ने बताया कि पिछली सदी से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, CO2 का उत्सर्जन बढ़ा है। 1955 में अमेरिकी शोधकर्ता गिल्बर्ट प्लास ने बताया कि CO2 के उत्सर्जन से तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा। 1957 में अमेरिकी समुद्र विज्ञानी रोजर रिवेल और केमिस्ट हंस स्वेस ने कहा कि मनुष्य अब बड़े पैमाने पर भूगर्भीय प्रयोग कर रहा है। 1958 में चार्ल्स डेविस ने हवाई में और अंटार्कटिका में मौना लोआ ने वायुमंडलीय CO2 की माप शुरू की। 1960 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन पहुंच गई। 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार समिति ने ग्रीन हाउस प्रभाव को वास्तविक चिंता माना। 1972 में स्टॉकहोम में UN पर्यावरण सम्मेलन हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ। 1975 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन हो गई। 1975 में अमेरिकी वैज्ञानिक वॉलेस ब्रोकर ने सार्वजनिक डोमेन में ग्लोबल वार्मिंग शब्द लिखा। 1987 में दुनिया की आबादी 5 बिलियन हो गई। 1987 में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय दल का गठन किया गया। 1989 में UK की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर UN के भाषण में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वॉर्न करती हैं। 1989 में ही जीवाश्म ईंधन जलने और उद्योग से कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष 6 बिलियन टन पहुंच गया। 1990 में IPCC ने पहली आकलन रिपोर्ट पेश की अपनी और बताया कि एक सदी में तापमान 0.3 से 0.6 सेंटीग्रेड बढ़ा है। 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर सहमति बनी। 1995 में IPCC की दूसरी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर मानव प्रभाव कम करने का सुझाव दिया गया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकसित राष्ट्रों ने 2008 से 2012 तक उत्सर्जन को 5% घटाने का वचन दिया। 1998 में 1961 से 90 की अवधि में औसत वैश्विक तापमान
0.52 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 1998 में उत्तरी गोलार्ध का तापमान पिछले 1000 सालों की तुलना में असामान्य हुआ और 1999 में दुनिया की आबादी 6 बिलियन पहुंच गई। 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्योटो प्रक्रिया से अमेरिका को अलग कर लिया। 2001 में IPCC की तीसरी रिपोर्ट आई और कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जित हो रही हैं उसमें इंसानी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल सभी विकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बना। 2006 में स्टर्न रिव्यू के अनुसार जलवायु परिवर्तन GDP को 20% तक नुकसान पहुंचा सकता है, ये कहा गया। 2006 में जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कार्बन उत्सर्जन 8 बिलियन टन सालाना पहुंच गया, लगातार ये बढ़ोतरी होती रही। 2007 में IPCC की चौथी रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैसों के लिए 90% लोग जिम्मेदार माने गए। 2007 में IPCC और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2007 में बाली में संयुक्त राष्ट्र वार्ता में सरकारें बाली रोड मैप पर सहमत हुईं। 2007 में अंतर शासकीय दल और तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे ने इसके लिए जो काम किया था उनको सराहा गया। 2008 में केलिंग प्रोजेक्ट से पता चला कि आधी सदी में कार्बन उत्सर्जन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन के लिए संकल्प लेने का वचन दिया। 2009 में चीन ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक के रूप में पीछे छोड़ दिया और सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चीन में होने लगा। 2009 में 192 देशों की कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2010 में विकसित जो देश थे उन्होंने स्टार्ट फाइनेंस पर $30 अरब का योगदान देना शुरू किया। 2010 में ही मैक्सिको में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में कई देशों ने दिलचस्पी नहीं ली और इसके बाद कई सवाल उठे। 2011 में वैज्ञानिकों ने शोध में ये स्पष्ट किया कि पृथ्वी पिछली सदी से ज़्यादा गर्म हो गई है। 2011 में धरती पर इंसानी आबादी 7 बिलियन पहुंच गई। 2011 में एक रिसर्च में पता चला कि पिछले सालों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ी है। 2012 में आर्कटिक की बर्फ न्यूनतम सीमा 3.41 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक पहुंची। ये एक टाइमलाइन है लेकिन सिर्फ 2012 तक ही नहीं, 2018 तक कोशिशें जारी हैं अलग अलग स्तरों पर और गर्मी को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, मगर इसके परिणाम बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्वार्थ हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। IPCC एक ऐसा अंतर शासकीय वैज्ञानिक संगठन है, चलाओ ना। IPCC एक ऐसा अंतर शासकीय वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी सामाजिक आर्थिक जानकारियों को जमा करके उनका विश्लेषण करता है। ये दल खुद शोध नहीं करता बल्कि जो दूसरे लोग शोध करता हैं और जो जलवायु के अलग अलग कारकों पर नज़र रखते हैं उनके शोध का अध्ययन करता है, अलग अलग जर्नल्स में जो शोध प्रकाशित होते हैं उनका अध्ययन करता है और ये बताता है कि किस तरह से मानव जनित कारकों ने जलवायु को प्रभावित किया है, सरकारों को और आम जनता को इससे आगाह करता है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित ग्रीन हाउस गैस वर्तमान में पर्यावरण में हो रहे तापमान वृद्धि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, इसमें मीथेन शामिल है, इसमें और दूसरी गैसें भी शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग में 95% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है। अब एक प्रक्रिया होती है ग्लोबल वार्मिंग की, वो आप समझ लीजिए। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें बाहर की गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सर्द इलाकों में पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें अगर ना होती तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी कम होता। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पिछले सालों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ी और इसकी वजह से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनकन्वीनिएंट ट्रुथ में इस समस्या को दिखाया गया था।
तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन मानव गतिविधि जनित होता है, इसलिए जरूरी है कि इंसानों को अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। ये पूरी प्रक्रिया कई गंभीर सवाल इसलिए भी खड़े कर रही है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है ये बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता, उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वो इसकी तह तक नहीं जाता, लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल दुनिया को इससे कोई खतरा है नहीं, लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। दुनिया भर के नेताओं ने पेरिस में बढ़ते तापमान पर अभी हाल ही में चिंता जताई थी। हकीकत यह है कि दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है और इसके असर भी हैं। 2015 को ब्रिटेन के इतिहास का सबसे गर्म नवंबर माना जा रहा था। विश्व मौसम विभाग संस्था ने 2015 को सबसे गर्म साल माना। दुनिया का तापमान औद्योगिक क्रांति के समय से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया है। दुनिया भर के नेताओं ने 2009 में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पर सहमति जताई थी। पृथ्वी के 4.6 अरब सालों के इतिहास में इसका तापमान कई बार बढ़ा और घटा है। ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प पृथ्वी के बाहर एक ऊनी कंबल बनाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। जीवाश्म ईंधन को जलाने और पेड़ पौधों को काटने से तापमान बढ़ रहा है। 2000 से 2010 के बीच कार्बन उत्सर्जन की हमारी दर पिछले दशक की तुलना में 4 गुना बढ़ी है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल के आधार पर पृथ्वी के जलवायु के बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। अगले 50 सालों तक मौजूदा दर से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा तो तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, ये IPCC का कहना है। 2200 तक औद्योगिक दौर शुरू होने से पहले की तुलना में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, यह भी IPCC की रिपोर्ट कहती है। बर्फ पिघलेगी और गर्मी से जल वाष्प बनेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान और बढ़ेगा। एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 5.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का तापमान काफी तेजी से बढ़ा था। उस वक्त ध्रुवीय इलाकों में समुद्र तल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, जो आज -2 डिग्री है। उस वक्त ध्रुवीय इलाके में कोई बर्फ नहीं थी, कुछ प्रजातियां गर्मी से बढ़ी और कुछ खत्म हो गई। मीथेन गैस के बड़े पैमाने पर वायुमंडल से बाहर जाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव शुरू हुआ। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से समुद्र तल के नीचे की मीथेन गैस अस्थिर हो जा रही है। पृथ्वी की बगल वाले ग्रह शुक्र पर 3 से 4 अरब साल पहले ऐसा ही हुआ था। माना जा रहा है कि पृथ्वी की स्थिति भी अगले कुछ अरब सालों में शुक्र जैसी हो सकती है अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई। सूर्य की उम्र भी बढ़ रही है और उसका ईंधन खत्म हो रहा है। पृथ्वी की सतह पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ने वाली है क्योंकि पानी ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। अरबों सालों में यह प्रक्रिया लेकिन हो पाएगी। सवाल यह है कि क्या मनुष्य उससे पहले ही ग्रीन हाउस इफेक्ट को बेतहाशा तेजी से बढ़ाकर ऐसा कर सकता है। एक अध्ययन 2013 में प्रकाशित हुआ था और उसके मुताबिक ये संभव भी है। अभी हम वायुमंडल में 400 पार्ट्स पर मिलियन की दर से कार्बन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट को अंजाम देने के लिए मनुष्य को कार्बन गैसों का स्तर 30,000 पार्ट्स पर मिलियन करना होगा। ये मात्रा कितनी है इसका अंदाजा लगाना हो तो हम सारे जीवाश्म ईंधन को जला दें तो उससे उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ये 10 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि तापमान थोड़ा भी बढ़ने पर पृथ्वी पर इसका असर दिखने लगेगा। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है इन दिनों। ये खतरनाक स्तर है लेकिन देखभाल से इसमें भी जीवन संभव है। असर क्या होगा? ग्लोबल तापमान 60 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो कुछ हिस्सों में रहना मुश्किल हो जाएगा। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से पृथ्वी का आधा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। जो रईस होंगे वो बड़े एयर कंडीशनर उपकरण लगाकर जीवन के उपयुक्त हालात बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कूलिंग का ये तरीका बहुत महंगा होगा और दूसरे लोगों को हफ्तों महीनों इन इमारतों में रहना होगा। मौजूदा हालात के मुताबिक पृथ्वी का तापमान इस शताब्दी के अंत तक 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। इस तापमान से मानव समुदाय सीधे तो प्रभावित नहीं होगा लेकिन जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। 20,000 साल पहले पृथ्वी का तापमान अब से 4 डिग्री सेल्सियस कम था। उस वक्त कनाडा, उत्तरी यूरोप और ब्रिटिश द्वीप समूह सब के सब बर्फ से ढके हुए थे। तब से अब तक 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बर्फ हटी है। बर्फ के पिघलने से समंदर के जलस्तर में 10 मीटर का इजाफा हुआ है और कई समुद्र तटीय इलाके डूब गए हैं।
सारी दुनिया में हंगामा बरपा है कि धरती की आबो हवा बदल रही है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, इसके असर से समंदर के पानी में बढ़ोतरी हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, मानसून कमजोर होता जा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। यूं तो इसका असर सभी पर पड़ रहा है, लेकिन गरीब तबके को तो आबो हवा का ये बदलाव किसी जहरीले नाक की तरह डस रहा है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से कई इलाकों में लोग डिहाइड्रेशन से बीमार हो रहे हैं और गरीबों के लिए ये बीमारी अभिशाप बनती जा रही है। अल साल्वाडोर में बहुत ही ज्यादा ऐसी बड़ी आबादी है जो गुर्दे की बीमारी से शिकार हो गई है। तपती धूप में मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले इसका शिकार हो रहे हैं। अल साल्वाडोर के बाजो लेम्पा इलाके के 25% लोगों को गुर्दों की बीमारी है। शुगर, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां गुर्दों के खराब होने की बड़ी वजह हैं। अल साल्वाडोर में इन लोगों को ये बीमारी हुई है जो भयानक गर्मी में काम करते हैं। मछुआरे, किसान और मजदूर गुर्दों की बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। गुर्दे की बीमारी सारी दुनिया में महामारी की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। अल साल्वाडोर में डॉक्टरों ने गर्मी को कुदरत का किया सामूहिक हत्याकांड बताया है। साल्वाडोर दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसके अलावा यहाँ 23 ज्वालामुखी हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की समस्याएं गर्मी की वजह से पैदा हो रही हैं। दरअसल इस बीमारी में गुर्दे के टिश्यू नष्ट होने लगते हैं और वो खून को छान नहीं पाते। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और फौरन डायलिसिस की जरूरत होती है। क्योंकि इस बीमारी का शिकार बड़े पैमाने पर मजदूरों के अलावा किसान होते हैं, लिहाजा डॉक्टरों को लगा कि शायद इसकी वजह कीटनाशक और दूसरे केमिकल हों। लेकिन पानी की कमी के चलते ये बीमारियां फैल रही हैं। पानी की कमी के चलते जहरीले केमिकल यानी टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, वो अंदर ही अंदर गुर्दों पर असर डालते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर 2016 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती गर्मी कई तरह से सेहत पर असर डाल सकती है। गुर्दे इसका सबसे पहला शिकार हो रहे हैं। गुर्दों की इस खतरनाक बीमारी को रिसर्चर क्लाइमेट सेंसिटिव की फहरिस्त में रखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्लाइमेट सेंसिटिव बीमारियाँ भी बढ़ती जाएंगी और इसका शिकार सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग ही होंगे। फिलहाल सुर्खियों से आगे में इतना ही। आप देखते रहिए लाइट।